नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। शिव पुराण की इस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आइए सुनते हैं शिव पुराण की कथाएं। आज इस पाठ में हम जानेंगे 16वें मिट्टी से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि क्या है, उनके लिए नवेद किस प्रकार अर्पण करें, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल क्या है, विशेष माह वार तिथि और नक्षत्रों के योग में यदि पूजन किया जाए तब उससे कैसे फल की प्राप्ति होती है, लिंग का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, वह सभी आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे। आइए कथा आरंभ करते हैं। जय शिव शंकर, जय महादेव। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आप कृपा कर हमें बताइए, पार्थिव प्रतिमा की अर्थात मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा की पूजन विधि क्या है, उनसे किस प्रकार की सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तथा अन्य जानकारी भी हम आपके श्रीमुख से जानना चाहते हैं। तब सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, आज तुमने बड़े ही उत्तम प्रश्न पूछे हैं, जो लोक कल्याणार्थ अति ही मंगल को देने वाली है। यदि पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा किया जाए तो यह सभी प्रकार के सुख और मनोवांछित फल को देने वाला है। इसकी पूजा से मनुष्य के दुख का तुरंत ही निवारण हो जाता है। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बतलाता हूँ जिन्हें तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। पृथ्वी या मिट्टी की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस धरातल पर अभीष्टदायक मानी गई है। इसके पूजन का अधिकार स्त्री और पुरुषों दोनों को ही समानता के साथ है। नदी, पोखर, तालाब, कुएं इत्यादि में गहरे प्रवेश करके पानी के अंदर की मिट्टी को बाहर ला करके उसका शोधन करना चाहिए। फिर शुद्ध मंडप में उसे रख करके महीन और बारीक तरीके से उसे सानना चाहिए। हाथों से प्रतिमा का निर्माण करें, फिर दूध से उसका सुंदर तरीके से संस्कार करें। इस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग इतनी अच्छी तरह से स्पष्ट प्रकट हो कि वह सभी प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित हो। तदंतर विधि पूर्वक आसन पर उसे स्थापित करके उसकी पूजन आरंभ करनी चाहिए। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का ब्राह्मणों को पूजन करना चाहिए। 16 उपचारों के द्वारा इस मिट्टी की प्रतिमा का पूजन करने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। पुष्प से प्रोक्षण, मंत्र पाठ से अभिषेक करते हुए अगहनी के चावल से नवेद को तैयार करना चाहिए। सारा नवेद लगभग पाँव भर तो होना ही चाहिए। घर में पार्थिव शिवलिंग के पूजन के लिए एक कुंड और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन हेतु शेर भर नवेद को तैयार करना चाहिए। इस प्रकार का पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। देवताओं द्वारा जो स्थापित शिवलिंग है उसके लिए 3 शेर नवेद अर्पण करना है और जो शिवलिंग स्वयंभू तरीके से उत्पन्न हुआ है उसके लिए 5 शेर। यह पूर्ण फल की प्राप्ति हेतु है। जो द्विज सहस्त्र बार इन प्रकारों से पूजन को करता है वह सत्यलोक को प्राप्त करता है।
12 अंगुल चौड़ा, इससे दुना और एक अंगुल अधिक है, अर्थात 25 अंगुल लंबा, 15 अंगुल चौड़ा। जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका आठवां भाग प्रशस्त कहलाता है। मनुष्य द्वारा जो शिवलिंग स्थापित होता है उसके लिए 10 प्रशस्त, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रशस्त, और जो शिवलिंग स्वयं को प्रकट हुआ है उसके लिए 1000 प्रशस्त नवेद को अर्पण करना चाहिए। जल, तेल, गंध और विभिन्न प्रकार के द्रव्यों की भी मात्रा यथासंभव रखनी चाहिए। शिवलिंग की यह महापूजा बतलाई जाती है। देवता का अभिषेक करने से जहाँ आत्मा की शुद्धि होती है वहीं गंध से पुण्य की प्राप्ति, नवेद अर्पण से आयु की प्राप्ति और तृप्ति प्रदान होती है। धूप और दीप अर्पण करने से मनुष्य को धन और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तांबूल अर्पण करने से भोग और स्नान आदि के 6 उपचारों को यत्नपूर्वक अर्पण करने से सुख की प्राप्ति। नमस्कार और जप, ये दोनों सभी प्रकार के सुखपूर्वक फल को देते हैं। इसलिए जो भी मनुष्य भोग और मोक्ष की चाहत रखते हैं उन्हें पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार की क्रिया करनी चाहिए। मनसा पूजा के द्वारा उन उपचारों से जो पूजा करते हैं उन्हें देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोक में स्थान की प्राप्ति होती है, तथा जो उत्तम कोटि की वस्तुएं होती हैं वो भी उन्हें प्राप्त होती हैं। हे ब्राह्मणों, अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले जो विशेष फल होते हैं उनके बारे में बतला रहा हूँ। भगवान श्री गणेश जो कि विघ्न विनाशक के तौर पर जाने जाते हैं उनकी पूजा करने से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तु प्राप्त होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पौष मास में सतभीसा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और यथासंभव गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या 1000 दिनों में 100 या 1000 बार पूजा करनी चाहिए। अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला जो हवन जाप होता है वह मनुष्य को पुत्र और विभिन्न प्रकार की उत्तम वस्तुएं प्रदान करता है। ऐसा करने से सभी पापों का नाश भी होता है और तुरंत ही फल की प्राप्ति होती है। यह सभी कामनाओं को देने वाला है, इसे ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर के अगले दिन जब सूर्योदय आ जाए तब तक एक बार माना जाता है। विहित तिथि के पूर्व भाग में जो देव पूजा होती है वह मनुष्य को भोग देने वाली होती है। मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया गया है। ऐसी तिथि का पर भाग दिन से युक्त होता है और वही देव कर्म के लिए प्रशस्त भी माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक की तिथि रहे तो इसे उदय व्यापनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। यह शुभ तिथि एवं नक्षत्र सभी प्रकार के देव कार्य में स्वीकार होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करना चाहिए, इसके बाद ही पूजा, मंत्र या जप करना चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार के भोग और हर प्रकार के फल की सिद्धि होती है। जिस कर्म से कार्य संपन्न होता है उसका नाम ही पूजा है। जो सकाम भाव से पूजा करते हैं उन्हें भोग प्राप्त होता है और जो निष्काम भाव से करते हैं उन्हें परमार्थिक ज्ञान की प्राप्ति, ये बहुत ही उत्तम मानी गई है। इस प्रकार की पूजा शब्द को सार्थक बनाती है।
यदि सही विधि विधान के अनुसार अनुष्ठान किया हुआ हो तब वह तत्क्षण ही फल को प्रदान करता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक जो लगातार पूजन आराधना करता है उनसे उन्हीं कर्मों के द्वारा फल की प्राप्ति होती है और वैसे ही पापों का नाश भी होता है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति की पूजा करने से पापों का नाश होता है। एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल यह प्रदान करती है। चैत्र मास की चतुर्थी को गणेश की पूजा करने से एक मास तक इसके फल की प्राप्ति होती है। वहीं जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो तब उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी होती है। उस समय गणेश की पूजा करने से एक वर्ष तक मन की इच्छा के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र युक्त सप्तमी तिथि को और माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य नारायण की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मास के बुधवार को श्रावण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को, केवल द्वादशी को भी भगवान श्री हरि की पूजा की जाने वाली। इससे इतने सारे सुख संपत्ति प्राप्त होती है जिसका कभी कोई नाश नहीं होता है। श्रावण मास में श्री हरि की पूजा अभीष्ट फल को देती है, आरोग्य देने वाली होती है। अंगों और उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि के द्वारा 12 वस्तुओं का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही द्वादशी तिथि में भगवान श्री हरि की आराधना करने से प्राप्त होता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान श्री हरि के 12 नामों का 12 बार ब्राह्मणों के द्वारा पूजन उच्चार करवाता है वह उनकी प्रसन्नता से सभी प्रकार की सिद्धि को तुरंत ही प्राप्त करता है। संपूर्ण देवी देवताओं के विभिन्न प्रकार के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों के द्वारा पूजन करने से वह देवताओं को अत्यधिक प्रसन्न करता है। जिन मनुष्यों को ऐश्वर्य और धन धान्य की इच्छा हो उन्हें कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृग सीरा नक्षत्र योग में संपूर्ण विधि विधान के अनुसार माँ अंबिका देवी की पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को पूजन अर्चना करने से अभीष्ट फल प्रदान होता है। यदि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रविवार आ जाए उस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आद्रा और महाद्रा का योग यदि हो जाए तब इन अवसरों पर शिव की पूजा अति ही विशेष है। माघ माह के कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी की पूजा से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। यह मनुष्य को आयु प्रदान करती है तथा काल का हरण करती है। यह समस्त सिद्धि प्रदान करती है। ज्येष्ठ मास में यदि चतुर्दशी हो जाए और महाआद्रा का योग हो या फिर मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र आ जाए तब उस अवसर पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की बनी हुई प्रतिमा के रूप में भगवान शिव की 16 उपचारों से पूजा जो करता है उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य को भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिक मास के प्रत्येक वार और तिथि में महादेव की पूजा का और अधिक महत्व होता है। कार्तिक मास में जो विद्वान पुरुष दान होम जप इत्यादि करता है और सभी देवताओं का षोडोपचार द्वारा पूजन करता है उन ब्राह्मणों की पूजा कर्म से सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। पूजा कराने वाले भक्त को चाहिए कि वह सभी कामनाओं को त्याग करके पीड़ा रहित होकर के अर्थात शांत मन से देवताओं की आराधना करें।
कार्तिक मास में देवताओं का अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजन करने से भोग की प्राप्ति होती है और इससे सभी प्रकार की बाधाएं विघ्न दूर होती हैं। ग्रहों से मिल रहे दुष्प्रभाव भी समाप्त होते हैं। कार्तिक मास के रविवार को सूर्य नारायण की उपासना करने और तेल तथा सूती वस्त्र दान करने से कोढ़ आदि जैसे रोग नष्ट होते हैं। हरे, काली मिर्च, वस्त्र, खीरा इत्यादि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय रोग नष्ट होते हैं। दीप और सरसों दान करने से मिर्गी रोग समाप्त होते हैं। वहीं कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को जो शिव जी का पूजन करता है उसे दारिद्रता समाप्त होती है और धन संपत्ति प्राप्त होती है। कृतिका युक्त मंगलवार को श्री स्वंद का पूजन करने से और दीपक एवं घंटा का दान करने से मनुष्य की बोली प्रखर होती है और मधुर होती है। उसके मुख से निकली भी हर बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवार को श्री हरि का पूजन करने से तथा दही भात का दान करने से मनुष्य को कुल को रोशन करने वाली संतान की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त गुरुवार को धन के द्वारा ब्रह्मा जी का पूजन करने से मधु, सोना और घी का दान करने से यह भोग और वैभव को प्रदान करती है। कृतिका युक्त शुक्रवार को पूजन करने से गणेश महाराज जी की तथा गंध, पुष्प, अन्न इत्यादि का दान देने से मनुष्यों को भोग्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। यदि इस दिन सोना, चांदी या अन्य प्रकार की धातु दान किया जाए तो जो बांध्या स्त्री होती है उन्हें भी कुल को रोशन करने वाले पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवार को दिक्पालों की वंदना करनी चाहिए। दिग्गजों, नागों और सेतुपालों का पूजन करना चाहिए। त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। धन्वंतरी और अश्विनी कुमार को पूजन करने से सभी रोग समाप्त होते हैं। अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। इसके साथ ही अन्य प्रकार की जो भी व्याधियां हैं वह भी नष्ट हो जाती हैं। इस दिन नमक, लोहा, तेल, उड़द आदि का दान करना चाहिए। फल, गंध, जल, घृत आदि द्रव्य पदार्थ, सुवर्ण, मोती और अन्य वस्तु दान करने से स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। इनमें ध्यान देने वाली बात है कि इनकी संख्या कम से कम क्या होनी चाहिए। नमक का दान कम से कम एक सेर होना चाहिए। स्वर्ण का दान कम से कम एक पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष माह में प्रातः काल में शिव और अन्य देवताओं की पूजा से सभी सिद्धि प्राप्त होती है। इस पूजन के समय अगहनी के चावल से तैयार किए हुए नवेद अर्पण करने चाहिए। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का निवेद अर्पण करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने से मनुष्य का पूरा जीवन सुखी हो जाता है और अभीष्ट फल प्राप्त होते हैं। मार्गशीर्ष मास में अन्न के दान से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। इससे आरोग्य तथा सिद्धि की प्राप्ति होती है। यह लोक परलोक दोनों में भोग और मोक्ष को देने वाला होता है। जो मनुष्य भोग की इच्छा रखता है वह माघ मास में प्रातःकाल कम से कम देवताओं को पूजन अवश्य करें। इस मास को कभी खाली न जाने दें। पौष मास में पूरे महीने जितेंद्रिय और निराहार रह करके द्विज प्रातः काल से लेकर के मध्याह्न काल तक गायत्री माता का जप करें। फिर रात्रि को शयन के समय पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से उस ब्राह्मण को ज्ञान की प्राप्ति होती है और शरीर से मुक्ति के बाद वह मोक्ष पाता है। द्विजेतर नर और नारी को त्रिकाल स्नान करना चाहिए और पंचाक्षर मंत्र जपना चाहिए।
इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से जघन्य पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बिंदु शक्ति और नाद शिव है, सारा चराचर जगत इसी पर आधारित है। इन्हें शिव और शक्ति स्वरूप माना जाता है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार माना गया है, अर्थात शक्ति और शिव यही पूरी सृष्टि का आधार है। इसी से जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें तनिक भी संचय नहीं है। शिवलिंग को बिंदु नाद स्वरूप माना गया है, अतः जगत का कारक बताया गया है। देवी को बिंदु स्वरूप और शिव को नाद स्वरूप माना गया है। इन दोनों का संयुक्त रूप हम शिवलिंग में देखते हैं। कहते हैं जन्म के संकट से मुक्ति पाने के लिए इसलिए प्रत्येक मनुष्य को शिवलिंग की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसमें माँ पार्वती साक्षात हैं और महेश्वर पिता स्वरूप हैं। इन दोनों की पूजा से परम आनंद की प्राप्ति होती है, जो कि सभी लाभ को विशेष रूप से देती है। जगत की माता, जगत की जननी और जगत के पिता, इनकी सेवा करने से मनुष्य को एकाग्रता बढ़ती है और आंतरिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को ही माता पिता का स्वरूप मान करके उनकी आराधना करनी चाहिए। शिव पुरुष रूप माने गए हैं और शिवा प्रकृति रूप माने गई हैं। शिवलिंग की पूर्ण रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए माता और पिता के स्वरूप को मान करके। शिव पुरुष रूप हैं और शिवा प्रकृति अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है और वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण ही गर्भवान है, क्योंकि प्रकृति के जनक कहे गए हैं वो। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है यही पुरुष से प्रथम उसका जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्व आदि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है ये उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बार बार जन्म और मरण को प्राप्त होता है। माया के द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका बार बार जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही 6 विकारों से युक्त होता है, इसलिए तो उसे जीव की संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विभिन्न प्रकार के पासों द्वारा बंधन में पड़ा रहता है उसे जीव कहते हैं। जन्म और बंधन जीव के शब्द का ही अर्थ माना गया है, अतः जन्म मरण रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत माता पिता के स्वरूप में शिवलिंग की पूजा करने से सुख की प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। भगवान सीधे भोग देते हैं और दूसरा अन्य कोई नहीं। भग स्वामी भगवान के ही विद्वानों द्वारा कहलाता है। भग प्रकृति से संयुक्त परमात्मा लिंग और लिंग संयुक्त भग प्रकृति ही इस लोक और परलोक में नित्य भोग और मोक्ष देते हैं, इसलिए भी महादेव की पूजा करनी चाहिए। संसार को उत्पन्न करने वाले और सुचारू रूप से चलाने वाले सूर्यदेव हैं। प्रत्यक्ष होने के कारण यह जगत में दिखलाई देते हैं। पुरुष को लिंग में जगत उत्पन्न करने वाले लिंगी की ही पूजा करनी चाहिए। सृष्टि का अर्थ बताने वाले चिन्ह के रूप में उन्हें लिंग कहा जाता है। लिंग शिव का बोध कराता है, अर्थात परम पुरुष का। इस प्रकार शिव और शक्ति के मिलन को प्रतीक को ही शिवलिंग कहते हैं। इनसे प्रसन्न होकर के इन चिन्हों की यदि सही तरीके से पूजा करते हैं तो जन्म आदि के साथ जो दुख प्राप्त होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। सभी को विभिन्न उपचारों से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। रविवार को पूजा करने से पुनर्जन्म का निवारण होता है। महालिंग की
ओमकार के द्वारा मंत्र से पूजा करनी चाहिए, पंच गव्य के द्वारा अभिषेक करना चाहिए अर्थात गोबर, गोमूत्र, गौदुग्ध और गौदही, गौघृत, इन्हें ही पंच गव्य कहा गया है। इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ अलग अलग भी रखा जाता है, फिर सभी को मिला करके पंचामृत बनाया जाता है। इनसे शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, फिर गाय के दूध और अन्य को एक साथ मिला करके नैवेद्य तैयार करे जाते हैं। मंत्र के उच्चारण पूर्वक वह शिव को अर्पण किए जाते हैं। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग भी कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण इन्हें नाद लिंग भी कहा गया है। यंत्र बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकर स्वरूप है, इसलिए मकरलिंग के रूप में कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो शिवलिंग स्थिर होता है उसे चल लिंग कहते हैं। इन्हें उकार रूप होने के कारण उकार लिंग कहा जाता है। पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु होते हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। प्रणव में प्रतिष्ठित आकार ओकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद बताए गए हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा से जीवन में हर प्रकार के दुख दोष मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त होता है। भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक शिव की उपासना करने से जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति मिलती है। रुद्राक्ष के धारण करने से 1/4, भस्म धारण करने से 1/2, मंत्र जप करने से 3/4 और पूजा से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग और शिव भक्त की पूजा करने से मोक्ष यही प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, जो इस अध्याय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है उसकी शिव भक्ति में दिन प्रतिदिन सुदृढ़ता और भक्ति बढ़ती जाती है। निश्चय ही माँ देव उनकी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर विराम लगाते हैं। कल हम आगे की कथा फिर से आरंभ करेंगे। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभू।